हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप आ गया मेरे न्यू वॉच लेके, जो कि मेरे वाइफ ने गिफ्ट किया अभी वैलेंटाइंस डे में। तो इसका बॉक्स कुछ इस तरह है। इसमें क्या क्या है देख सकते हो। 3.3 सेंटीमीटर का इसका ऑटो ब्राइटनेस टच स्क्रीन है। 24/7 हार्ट रेट मॉनिटर है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है, जो कि ऑटो नहीं करता है, आपको वॉच में करना पड़ेगा, वो ही सेंस करेगा। नेक्स्ट है 16 स्पोर्ट्स मोड है इसके अंदर। लॉन्ग बैटरी लाइफ है, जो कि रियल मी वादा करता है कि इसका जो बैटरी लाइफ है वो 15 डेज तक है नॉर्मल यूज में। IP68 वाटर रेजिस्टेंस है। वॉच विद रियल मी लिंक ऐप, ये रियल मी लिंक ऐप के साथ कनेक्टेड होकर चलेगा। आप देख सकते हो इसमें इसका प्राइस लिखा गया है, जो कि 799 है, सॉरी 7999, मतलब 8000 के करीब है, जो कि फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है 5000 रुपये में, 4999 में अवेलेबल है। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर दोस्तों आपको ये तीन चीज़ मिलता है। सबसे ऊपर है ये यूज़र मैनुअल। आप वॉच को यूज़ करने से पहले ज़रूर इसको पढ़ लीजिए एक बार, इसमें पूरा डिटेल्स से लिखा गया है क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। इसके बाद आता है आपका ये जो है वायरलेस चार्जिंग बोल सकते हैं आप, ये मैग्नेटिक चार्जर है, जिसमें इधर एक मैग्नेट दिया गया है, आपके वॉच में भी मैग्नेट है, जो कि इस दोनों को एडजस्ट करके ठीक जगह बैठा लेता है। ठीक है, इसका मैग्नेटिंग पावर काफ़ी अच्छा है, आपको वॉच को गिरने नहीं देगा आसानी से ही। इधर USB पोर्ट है, जो कि आप नॉर्मल USB चार्जर में लगा सकते हैं। अब आते हैं वॉच, ग्रेट वॉच फेस है। इसको अलावा काफ़ी वॉच फेस मिल जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल इसमें 6 वॉच फेसेस है, जो कि वॉच के अंदर है। इसके अलावा आप और वॉच फेसेस डाल सकते हो, जो कि रियलमी लिंक ऐप के अंदर है, जिससे आप इसको सिंक करके वॉच फेसेस लगा सकते हो। मैं इसका थोड़ा टाइमर बढ़ा देता हूँ, स्क्रीन टाइम आउट का। तो आइए दिखाते हैं। इससे सबसे पहले है अलार्म क्लॉक, इससे आप अलार्म लगा सकते हो, लेकिन ये जो अलार्म है ये साउंड नहीं करेगा, आपको वाइब्रेशन सुना, मतलब वाइब्रेशन होगा आपके हाथ में, जब पहने रखोगे तो ये वाइब्रेट करेगा, आप देख सकते हो इसमें। दूसरा चीज़ है सेटिंग्स, इसके अंदर आपको कस्टम सेटिंग्स मिल जाता है। कस्टम सेटिंग्स के अंदर वेक स्क्रीन ऑन रिस्ट रेज, मतलब आप जब हाथ को आपके कलाई को रेज करोगे तब ये स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन होगा, जैसे अभी ऐसे रखे हो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो कुछ ऐसे फंक्शन दिया गया है। कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटर है इसमें, डू नॉट डिस्टर्ब है, जबकि रात के टाइम पे सोच लो आप आपके फ़ोन का नोटिफिकेशन नहीं चाहते हो आपके मोबाइल में आए, तो ये डू नॉट डिस्टर्ब आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, इसमें जनरल सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस है, जिसमें आपको 5 ब्राइटनेस मोड दिखा जा, मतलब दिया गया है, जिसमें टोटल 6 है, जिसमें एक ऑटो है, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो आप देख सकते हो काफ़ी ब्राइट है, इवन आपको पूरा सनलाइट में भी अच्छे से दिख जाता है। वाइब्रेशन का इंटेंसिटी आप इसमें कंट्रोल कर सकते हो, लो, मीडियम और हाई। पावर सेविंग मोड है इसमें। सिस्टम में रिस्टार्ट है, पावर ऑफ, रीसेट एंड रेगुलेटर इंफॉर्मेशन, जो मॉडल नंबर ये सब बताता है आपके वॉच का। ठीक है,
और सबसे आखिर में एक अबाउट करके है जिसमें मैक एड्रेस वगैरह दिया गया है। इधर आपके एक्सरसाइज का डिटेल्स बताता है क्या क्या एक्सरसाइज किए हो आप टोटल, ये पूरा दिखाता है। इधर आपके एक्सरसाइज है जो कि 6 स्पोर्ट्स मोड दिया गया है, सॉरी 16 स्पोर्ट्स मोड दिया गया है इसमें। तो आप देख सकते हैं आउटडोर रन, वॉक, इंडोर रन, आउटडोर साइकिलिंग, एरोबेटिक कैपेसिटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो बहुत सारा है। इसमें स्विमिंग नहीं है दोस्तों क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। इसमें वेदर का फीचर्स भी है जो कि आपके फ़ोन से कनेक्ट करके, आपके फ़ोन से सिंक्रोनाइज करके वेदर बताता है। मैं अभी हैदराबाद में हूँ तो हैदराबाद का वेदर बता रहा है। दूसरा हार्ट रेट मॉनिटर है जो कि 24/7 काम करता है। तो इसमें मेडिटेशन का फीचर्स दिया गया है जो कि बहुत अच्छा फंक्शन है। आप ये वॉच पहन के मेडिटेशन के लिए, जैसे आप 3 मिनट तक करना चाहते हो तो इनहेल के लिए एक वाइब्रेशन होगा, एक्सेल के लिए भी एक वाइब्रेशन होता है, तो ऐसे काम करता है ये। नेक्स्ट है म्यूज़िक जो कि आपकी मोबाइल का म्यूजिक को, मतलब जिससे ये कनेक्टेड है उसकी म्यूजिक को कंट्रोल कर सकता है। साउंड इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, नेक्स्ट बैक और पॉज प्ले भी होता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, आपके खून में कितना ऑक्सीजन है ये डिटेक्ट करता है, जो कि ये सेंसर जलता है जब डिटेक्ट होता है, तो SpO2 सेंसर ये है। नेक्स्ट स्लीप ट्रैकिंग है, आप कितना घंटा सोए हो। जैसे मैं, मेरे को दिखा रहा है टोटल 8 घंटा 16 मिनट सोया हूँ मैं। आई डोंट नो कैसे दिखा रहे हैं, जिसमें आपको डीप स्लीप कब कितना, 1 घंटा 58 मिनट से मैं डीप स्लीप सोया हूँ। लाइट स्लीप दिखा रहा है आपको कितना देर जगा था वो भी दिखा रहा है, हालांकि जब मैं कल रात को वॉच पहन के सोया ही नहीं फिर भी दिख रहा है। इधर स्टॉप वॉच दिया गया है, टाइमर है, हाँ एक ये फीचर्स है जिससे आप अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हो। अगर आपके फ़ोन नहीं मिल रहा है आपके घर के अंदर तो इससे आप ढूंढ सकते हो, जो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ तो वीडियो पॉज हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट है कैमरा का फीचर्स, टैप टू टेक फोटो, जो कि आपके मोबाइल के कैमरा का रिमोट बटन, एज ए रिमोट बटन काम करता है। जैसे आप मोबाइल अपने स्टैंड में लगा दिए फिर इसके इसके ज़रिए आप फोटो खींच सकते हो। तो ये हो गया, आप इसको लेफ्ट स्वाइप करके आप देख सकते हो कितना स्टेप चले हो, कितना कैलोरी बर्न हुआ है, कितने देर से आप पहन रखे हो वॉच को। उसके बाद वेदर, फिर स्लीप ट्रैकिंग और हार्ट रेट मॉनिटर आता है। फिर इधर एक शॉर्टकट दिया गया है जिसमें आप पावर सेविंग मोड में डाल सकते हो, और इससे निकलने के लिए ये वाला ऊपर वाला बटन आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो ये पावर सेविंग मोड से आप निकल जाओगे। इसके अलावा है रेज रिस्ट टू वेक, ये वाला बटन शॉर्टकट में दिया गया है, और ब्राइटनेस का फीचर्स है शॉर्टकट में। इधर है डू नॉट डिस्टर्ब का, और ये सेटिंग में जाता है डायरेक्ट, इसके आगे कुछ नहीं है। लेफ्ट जो कि लेफ्ट स्वाइप में डायरेक्ट आ जाएगा, ऊपर से स्वाइप करते हो तो आपको आपके मोबाइल का जो नोटिफिकेशन है वो आ जाता है, जैसे फेसबुक का है। ये आप सिंगल सिंगल डिसमिस भी कर सकते हो। नीचे से स्वाइप करोगे तो आपका मेनू आ जाएगा। इसका स्ट्रैप देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, सिलिकॉन स्ट्रैप है, जो कि मैं पूरा दिन पहना था, हालांकि रात में खोल दिया था लेकिन पूरा दिन पहना था, तो मेरे को थोड़ा भी पता नहीं चला कि मैं, मतलब कुछ अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ, बहुत अच्छा है। इसका बॉडी जो है ये मेटल का है,
शायद एल्युमिनियम एलॉय का है। और स्क्रीन जो है ऐसे टैप करने से आपका स्क्रीन बंद हो जाता है, थोड़ा तेज करना पड़ रहा है। इधर देख सकते हो आप, इधर एक सेंसर दिया गया है, देख सकते हो आप इधर, जो कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। इससे ऑटो ब्राइटनेस भी एडजस्ट होता है और ऐसे बंद भी हो जाता है स्क्रीन। ये जो स्ट्रैप है रिमूवेबल है, ऐसे आप इसका स्ट्रैप निकाल सकते हो आसानी से। दोनों स्ट्रैप आप निकाल सकते हो। दूसरा स्ट्रैप जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो थर्ड पार्टी वाला, वो भी लगा सकते हो आप इसमें। इसका पीछे वाला जो बॉडी है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसका जो स्क्रीन है, वो गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है इसमें, देख सकते हो। चलो दोस्तों, आपको ले जाते हैं Realme Link ऐप में, जहाँ पे आपको डिटेल्स में बताएंगे। चलो दोस्तों, आपको ले चलते हैं Realme Link के अंदर, जो कि आप डायरेक्ट इधर से भी एक्सेस कर सकते हैं। और आप नोटिफिकेशन बार में भी आपका Realme Link ऐप रनिंग में आता है, उधर से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐप खोलोगे तो आपका जो डाटा है वॉच के साथ मोबाइल में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अब देख सकते हो मैं कंटिन्यूस 6 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मतलब 6 डेज पहले मैं इसको चार्ज किया था फुल चार्ज 100%, आज भी इसका चार्ज 64% है। मतलब सोच सकते हो इसका चार्जिंग कैपेसिटी कितनी मस्त है। और तो आपका स्टेप भी ये काउंट करता है, देख सकते हो आप। इधर आपका स्लीप ट्रैकिंग है, हार्ट रेट सेंसर, हार्ट रेट मॉनिटर है, इधर हार्ट रेट सेंस करके इसमें आपको डेटा दिखाएगा पूरा। नेक्स्ट SpO2 सेंसर भी, सेंसर का डाटा भी ये इधर दिखाता है। और आपकी एक्सरसाइज लॉग, कब क्या एक्सरसाइज किए हो आप, इसमें कितना कैलोरी बर्न किए हो, पूरा आ जाएगा मैप के साथ। तो आपको वॉच फेसेस दिखाते हैं, इधर फेस गैलरी में जाके आपको ऑनलाइन जितना भी वॉच फेसेस है आप इधर आपको मिल जाएगा। स्लो है थोड़ा मैं। ये देख सकते हो, आपको 100+ आपको वॉच फेसेस मिल जाएगा, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है। लेकिन इसमें आप थर्ड पार्टी वॉच फेस नहीं लगा सकते, जो इसमें अवेलेबल है वो ही लगा सकते हो। आप कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो फोटोज से, इधर चेंज बैकग्राउंड करके, चूज फ्रॉम फोटोज करके, इधर कोई भी फोटो आप एज ए वॉच फेस लगा सकते हो। सिंक टू डिवाइस करोगे तो ये सिंक्रोनाइज होगा आपके वॉच के साथ, जो कि कुछ टाइम लेता है, कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है, और वो आपके वॉच में दिख जाता है। कुछ सेकंड बाद आपके वॉच के साथ ये सिंक्रोनाइज हो जाता है, हो गया। तो ये वॉच फेस मेरे वॉच में सिंक्रोनाइज हो गया। इसमें कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन है, आपको कोई भी कॉल करेगा तो वॉच में वाइब्रेशन होगा। आप जैसे ही वाइब्रेशन का इंटेंसिटी फिक्स करके रखोगे उसी हिसाब से वाइब्रेट करेगा। और नोटिफिकेशन का भी इसमें ऑप्शन है, जिसमें आप चूज़ कर सकते हो कौन कौन सी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आए या ना आए।
जैसे इसमें मैसेज हो गया, व्हाट्सएप हो गया, गूगल मैप्स हो गया, फेसबुक हो गया, जीमेल, यूट्यूब, टेलीग्राम, मैसेंजर और भी बहुत सारे ऐप का जो आप इसमें ला सकते हैं नोटिफिकेशन। इसमें और एक फीचर से गेट अप रिमाइंडर, जैसे आप बहुत देर से बैठे हो कोई सीट पे, चेयर पे, तो आप भूल जाते हो कभी कभी खड़े होना, तो जब आखिर में आप खड़े होते हो तो आपके बैक में बैक पेन होता है, तो उससे बचने के लिए आप इधर से टाइम सेट कर सकते हो कि कब से कब तक आपको कितने देर में, जैसे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आपको रिमाइंडर, एज ए रिमाइंडर ये आपको खड़े होने के लिए बोलेंगे। इसमें वाटर रिमाइंडर भी है, आपको पानी पीने के लिए एडवाइस किया जाएगा हर 1 घंटे या 2 घंटे, आप जैसे टाइम सेट करोगे उसके हिसाब से। नेक्स्ट है 24 घंटे हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, तो इसमें आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग का इंटेंसिटी फिक्स कर सकते हो, जो कि मेरा 5 मिनट किया गया है, 5 मिनट है इसका मिनिमम, कि हर 5 मिनट में ये आपके हार्ट रेट सेंस करेगा, उसके बाद 10, 20, 30 मिनट तक है, तो आप जितना ज़्यादा करके रखोगे उतना कम बैटरी ड्रेन होगा और जितना कम करके रखोगे उतना ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा इसका। हाई हार्ट रेट अलर्ट भी है, इसमें आप सेट करके रख सकते हो कि कब आपको चाहिए। लो हार्ट रेट अलर्म भी है, अलर्ट भी है। नेक्स्ट है म्यूजिक प्लेयर प्लेबैक कंट्रोल, जो कि आपके मोबाइल का म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल करेगा। कैमरा कंट्रोल है इसमें, फाइंड माय फोन है, वेदर है, जो कि आप लोकेशन इधर ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेते हैं। इधर गोल सेट कर सकते हो, आप डेली कितना चलना चाहते हो, कितना स्टेप आप जाना चाहते हो उसके हिसाब से। जैसे मेरा 5500 स्टेप्स है दिल्ली में जाना चाहता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरा 5500 है, मैं इधर कम ज़्यादा कर सकता हूँ इसमें। चलो, इसमें यूज़र गाइड दिया गया है, आप कैसे वॉच को यूज़ करोगे, तो जैसे आपको एक यूज़र मैनुअल मिला है उसी का सॉफ्ट कॉपी इधर आपको दिख जाएगा। इधर डिवाइस अपडेट, जो कि मैं जब खरीद के नया, मतलब जब मैं अनबॉक्स किया था, जब पहली बार फ़ोन से कनेक्ट किया था तभी ये अपडेट ले लिया था, तो इसका जब रियल मी दोबारा अपडेट देगा आपको इधर से अपडेट करना पड़ेगा, उसको ऑटोमेटिक नहीं होगा, मैं नोटिफिकेशन आएगा आपको, फिर आप ओके करोगे तो ही वो अपडेट होगा। इसमें मैक एड्रेस दिया गया है जो कि वॉच का है, और लीगल इन्फॉर्मेशन कुछ है, आप पढ़ सकते हो इधर, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह और एग्रीमेंट जो है। इधर रियल में लिंक ऐप के अंदर और जो कुछ कुछ फीचर्स है मैं बता देता हूँ। इधर मॉल है जिसमें आप रियल मी का जो सामान है वो ख़रीद सकते हो, जैसे टीवी हो गया, ईयरबड्स हो गया, ईयरफोन हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, ये सब आप इधर से ख़रीद सकते हो। एक्सप्लोर में आप कुछ पूरा इन डीप रिव्यू वगैरह दे रखा है इन्होंने। ये रियल मी वॉच एस है मेरे पास जो है, और एक आता है रियल मी वॉच एस प्रो, जिसमें दोस्तों जो इनबिल्ट जीपीएस है, हालांकि इसमें नहीं है इनबिल्ट जीपीएस, उसमें एमोलेड डिस्प्ले भी है, जो कि 24/7 ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप रख सकते हो, उसका बैटरी ड्रेन बहुत कम होता है उसमें एमोलेड में, जो कि इसमें रियल मी वॉच एस में नॉर्मल LCD स्क्रीन दिया गया है, और इसमें इनबिल्ट GPS भी नहीं है। इस प्राइस में ही मिलता है और क्या। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आगे और वीडियो मैं लाने वाला हूँ, तो उसको देखने के लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए।